इमली बनाता कौन है यहाँ पे? पता नहीं, इमली यहाँ बनती है? नहीं बनती, आप नजर आइए कोई बना रहा है। सारे प्लांट यहाँ पे बड़े में, शर्म आती है आपको? क्या खिला रहे हैं हमारे बच्चों को आप? ओ भाई जान, आराम से बात करें मेरी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। सर जी आप में इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना, ये वेस्ट हो सकते हैं। डब्बे सही है ना? हाँ जी जी डब्बे सही। यहाँ पे चूहे की लाश पड़ी हुई है, बाकियात पड़ी हुई है, या आपने यहाँ पे इतना गंद डाला है तो ये तो वैसे वेस्ट है। इसके ऊपर आपने डाल के खानी है, मुझे बताएं। को फूड में कभी काम किया? मेरी बात सुने भाई जान, मेरी बात सुने। हाँ जी बताएं। ये एक साइड पे पड़ा है सामान? नहीं, ओए होए 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 चूहा, ओए होए होए होए, ये चूहा है जी नाज़रीन, चूहा यहाँ पे पड़ा पड़ा, वो मर के सूख गया, उसका पता नहीं क्या होगा। ये दिखाएं जी, ओए होए, ये देखें चूहा जो है, चूहे की बाकियात पड़ी हुई है। ये दिखाएं यहाँ पे, ये बड़े हुए कार्टन भी पड़े हुए, ये इनके दूसरे कार्टन भी पड़े हुए। यहाँ पे तो बहुत स्मेल है, बहुत ज्यादा स्मेल है यहाँ पे, इतना गंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि चूहा यहाँ पे मर के उसकी लाश जो है वो सूख गई। ये देखें जी, ये ब्लैंड, ये खट्टी मीठी इमली, ये खट्टी मीठी इमली, ये जो बच्चों को आप खिला रहे हैं ना, खुदा का वास्ता है, ये देख लें कि ये किस तरह की चीजें खिला रहे हैं। और ये देखें, ये देखें, ये इनकी, ये देखें, ये इनकी इमली का मुंह बोलता सबूत, के अंदर अभी इमली की वो भी पड़ी हुई है। इस डब्बे की हालत और शक्ल देखें, इसकी मैल देखें, ये बाहर से इसकी हालत और शक्ल देखें, चूहे की बकाया जात, इसमें चूहे की बकाया जात भी पड़ी हुई है, मेंगनी अंदर पड़ी हुई है। ये दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये आप इसके ऊपर मैल की ये एक लेयर देखें, अंदर इमली की बाकियात भी पड़ी हुई है, और ये देखें नीचे जो ये कुप्पे पड़े हुए हैं, ये सारा यहाँ पे इमली, ये कड़ाहे, ये कड़ाहे देखें, और ये देखें, ये सारा यहाँ पे बनाने का भी सेटअप मौजूद है और उसको पैक करने का भी सेटअप मौजूद है। और अब वो साहबान बता रहे हैं कि भाई ये तो हमारा सारा वेस्ट है, अब आप बताएं कि जहाँ पे इतनी तमाम चीजें पड़ी हैं क्या ये वेस्ट है? और ये बात मैं बहरहाल हल्फन बता रहा हूँ, हल्फन बॉयलर। हाँ जी, ये इनका बॉयलर देखें जी, ये इनका बॉयलर देखें, इसके ऊपर भी इमली की बकाया जात लगी हुई है, ये देखें। और यहाँ इस कदर भद्दी स्मेल है, वो नीचे चूहा पड़ा हुआ, वो भी दिखाएं, वो दिखा दिया, वो चूहा दिखाएं, इनके ये बॉयलर के ऊपर पड़ा हुआ था और वो सूख के जो है पापड़ बन गया हुआ है, उसकी जो बॉडी है यार, इसको टच ना करे यार, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा यार, आप लोगों पे फेंक ले, साइड पे कर दे, वो पड़ा हुआ है। नहीं यार गद्दी चीज है, इसके अंदर क्या पड़ा बॉस? ऑयल, उनको नहीं पता ये क्या, आप देख लें। स्मेल से बुरा हाल है यार, इसमें क्या पड़ा हुआ? पता नहीं यार, क्या कह रहे हैं इसमें क्या पड़ा? सफाई कर रहे हैं भाई जान, आप सफाई कर रहे हैं? इमली बनाता कौन है यहाँ पे? पता नहीं, इमली यहाँ बनती है? नहीं बनती, आप नजर आइए कोई बना रहा है। सारे प्लांट यहाँ पे बड़े में, सारे आपके बर्तन यहाँ पे बड़े में, और आगे से आप झूठ बोल रहे, शर्म आनी चाहिए। पहले आए हो, मुझे बता रहे हैं कि इसको धो के इमली चटनी बनाने लगे। जी मैंने बताया आपको, भाई आप ही थे या वो दूसरा था? आप दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। वो देखे, वो तेल, तेल पड़ा हुआ जी, इसमें तेल पड़ा हुआ। आप मुझे दिखाएं कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, मुझे बताएं ये क्या चीज है? ये पकड़ी है, अभी तक कुछ भी नहीं निकाला, ये ले रहे हो जो साफ करके रखी है ना, जो सर जी सारा इसी में से निकाल। एक मिनट दिखाने दे, देखने दे, देखने दे यार, ये चेक करें, ये क्या ऑयल शॉल है? फिर कुछ ऑयल, मिट्टी का तेल है, ये ऑयल पड़ा हुआ जी, मिट्टी का तेल है भाई जान, पता नहीं अब ये ऑयल है या पेट्रोल है या किसके लिए यहाँ पे इस कदर। ये एक नहीं, ये दो चूहे हैं, एक वो नीचे पड़ा हुआ है, एक ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर वाला भी बुरा है, मैं बताया तो ऊपर वाला, एक ऊपर लैदा पड़ा हुआ है। इनके बॉयलर की हालत दिखाएं, जिसके ऊपर चूहे पड़े पड़े पापड़ हो गए, ये देखें इनकी ये हालत देखें, इनके यहाँ पे चलें जी, आप सारा कुछ भी छोड़ दें। ये कहते हैं ये साफ किया, ये देखें जी, ये साफ किया, साफ हमने कब किया? हमने सब साफ किया, ये देखें, यहीं से निकली है ये, अच्छा यहीं से निकाली है। हाँ जी, ये साफ है, ये साफ नहीं है, ये भी वेस्ट है, इसमें जो ये भी वेस्ट है। अच्छा आप वेस्ट में से वेस्ट क्यों निकाल रहे हैं? ओ सर जी सारी ही साफ निकाल रहे हैं, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, अब ये देखें। अच्छा एक मिनट के लिए इनकी ये सारी बात को मान लेते हैं कि ये तमाम चीजें वेस्ट है, क्या ये डब्बे भी वेस्ट है? सर जी आप में इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना, ये वेस्ट हो सकते हैं। डब्बे सही है ना? हाँ जी जी डब्बे सही है। यहाँ पे चूहे की लाश पड़ी हुई है, बाकियात पड़ी हुई है, या आपने यहाँ पे इतना गंद डाला है तो ये तो वैसे वेस्ट है। मेरा ख्याल आपका दिमाग नहीं काम कर रहा कि आप इसमें चीजें जब पैक करेंगे या इस डब्बी के अंदर बच्चों के लिए कोई चीज पैक करेंगे तो ये तो ऐसे पड़ी हुई है। दिखाएं चूहे की लाश नजर आ रही है आपको? आपको चूहे की लाश नजर आ रही है? एक साइड पे पड़ी है। आप मुझे कह रहे हैं कि आपका
अच्छा चूहे की लाश एक साइड पे पड़ी हुई है। चूहे ने मंडे मेरी बात सुने भाई जान, मेरी बात सुने। हाँ जी बताए। ये एक साइड पे पड़ा है सामान? नहीं, ये हर तरफ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, आगे पड़ा हुआ है, ये देखें जहाँ पे मेरा कैमरामैन बैठा हुआ है यहाँ पड़ा हुआ है, आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये साफ है, ये साफ है, कुछ शर्म आती है आपको? क्या खिला रहे हैं हमारे बच्चों को आप? ओ भाई जान आराम से बात करें, मेरी मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। भाई आप कह रहे हो कि ये साफ है, ये कहाँ से साफ है, ये कहाँ से साफ है? इसके ऊपर आपने डाल के खानी है, मुझे बताएं। को फूड में कभी काम किया है भैया? इसके ऊपर आप को कभी रहो तुम ये क्या कहते हैं खाने पीने के काम में रहे हो मुस्लिम? मेरी बात सुने, आपने इसके ऊपर डाल के खाने? प्लेट साफ करते हो या नहीं करते? आपने इसके ऊपर डाल के प्लेट साफ करते हो कि नहीं करते? आप मुझे ये बताएं प्लेट साफ करते हो कि नहीं करते? पता है इसमें तुम बच्चों की चीजें पैक कर रहे हो, आपको पता है बच्चों की चीजें पैक कर रहे हो? आपने इसके ऊपर डाल के बच्चों की जो फूड है उसको किस तरह से सिक्योर करते हैं, आपको पता है इस बार का? सर जी मैं आपसे आप यहाँ पे आपने इसके ऊपर चढ़ के खानी है, है? ओ भाई ये को खाने वाली चीज है, ओ हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इधर करीब 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 आ जाए, करीब आ जाए ताकि गिरना नहीं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? इधर आ जाए कैमरे के सामने। नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ। हाँ आप कह रहे हैं कोई बच्चा ये खाने वाली चीज है, कोई बच्चा भी मारू है? ये जहर खिला रहे हो? एक मिनट, जहर खिला रहे हैं? वालिद को पता ही नहीं लगना कि कौन सी इमली खा के उसकी ये हालत हो गई है। तो भाई वालिद को अगर पता, इधर एक मिनट, इधर इधर करीब वो क्या पड़ा हुआ? क्या कूलर पड़ा है? नहीं मशीन, मशीन ये उसके ऊपर ये स्लैब। मैं मेरी बात सुने, चूहे की लाश है? एक मिनट, चूहा बिल्कुल है पड़ा हुआ? मैं आपको जो बता रहा हूँ, चूहा नीचे पड़ा हुआ, दो पड़े होंगे, पांच पड़े होंगे, मेरी बात सुने। पड़ा है बॉयलर? बॉयलर देखे आपसे भी, आपसे हमने जो पहले बात करो वो तो जवाब करो। जो आपसे हमने पहले बात की है कि यहाँ पे हमने जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ होंगे आपने यहाँ पे कोई पूरा छापा मारा यहाँ पे वेस्ट है? एक मिनट ये डब्बे वेस्ट है भाई? मेरी एक मिनट बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, जिसका सामान है उसको पता हो ना। आप यहाँ मुलाजमी ना? नहीं हम मुलाजमी क्यों है, हमने अगर उनसे मालिक हो किस चीज के मालिक? ये इस गोदाम का मालिक कौन है? मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के इमाम है। इमाम साहब का ये काम है? नहीं इमाम साहब का काम है, हमने तो उनसे गोदाम ले है ना काम करने वाला। गोदाम आपका है ना? हमारा किस बात का गोदाम है? ये सामान किसका पड़ा भाई? इमाम साहब क्या है, आप क्या है, ये किसका है? भाई हम तो वेस्टेज खाली करवा रहे हैं भाई, हमें क्या और जरूरी कोई काम नहीं, हम सफाई करवा रहे हैं। यहाँ हो गया आपने देखो यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई काम सामान यहीं पे पड़ा है, सामान पड़ा है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहीं पे करते हो ना, ये मतलब कि यहाँ पैकिंग, पैकिंग मतलब मुझे आप इतना बताइए टोटली बैठ के आराम से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? हो सकती है, कितनी को हो सकती है? कोई लेबर आपको नजर आ रहा है? ओ भाई अभी जाहिर बात है कि प्लांट बंद किया मैंने, ये देखिए ये आपने यहाँ पे ब्रांड्स के डब्बे रखे हुए हैं, आपका बॉयलर यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे खुर्चे पड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे हर आपकी वो चीज पड़ी हुई नजर आई। भाई अभी बंद है ना, अभी बंद है ना। अच्छा आपने इतना ये जो आलू बुखारा इकट्ठा किया है, ये इतना आलू बुखारा मतलब कि क्या आपको ये नजर आ रहा है कि वो नीचे पड़ा हुआ, आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि वो कितना पुराना पड़ा हुआ? अच्छा अब आपने आप रोजे से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोजे से? अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ तो नहीं बोलेंगे? नहीं झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं। हल्फन? हाँ जी बोले। ठीक है अब अपने वालदैन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक कसम दे रहा हूँ, आपके वालदैन जी जी आपने मुझे क्या क्या आलू बुखारे के वाले थे और मुझे अब याद आ गया कि आप नहीं, जब मैं वजू करने आया हूँ मैंने ये था आप थे, मैं था ये था, मैं आप थे, मैं था ये आप थे है ना? नहीं नहीं वो भाई के, नहीं नहीं आपने कहा, एक मैं कंफर्म कह रहा हूँ आप अभी आप बोल रहे हैं कि वो भाई थे या मैं था, दोनों में से एक था लेकिन अब मैंने आपको देखा तो आप थे, तो फिर आप कंफर्म बताएं हल्फन? नहीं नहीं चलें आपको मैंने हल्फन कह दिया, आप हल्फन को छोड़ें ना, आप बात ये कंफर्म करें कि वो था या मैं था? आप थे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ना हूँ फिर मैं कह रहा हूँ आप थे, अगर मैं ना हूँ मैं कह रहा हूँ आपने मेरे से बात की, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने ना किया उसने किया फिर ये झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई? एक मिनट सामान की मेकिंग पड़ी है नहीं पड़ी आपको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नजर आ रही है? ये देखें नाज़रीन, ये देखें इमली आलू बुखारे की फैक्ट्री से ये बरामद हो रहा है, नीचे पड़ा हुआ, और ये कह रहे हैं कि ये सारी वेस्ट है, और वो देखें उनकी बकाया जात देखें, फिर मैं ये हल्फन कह रहा हूँ हल्फन, ये वाला लड़का था क्योंकि ये साथ खड़ा हुआ है तो मुझे फौरन इसका चेहरा ज़हन में आ गया, मैंने इसे बड़े एक तरीके से पूछा, मैंने कहा भाई जान ये क्या चीजें हैं? इन्होंने कहा जी आलू बुखारा, मैं इसका क्या करने लगे? उसने कहा जी धोने लगे, मैंने कहा इसका क्या करेंगे? उसने कहा इसको फिर इमली के साथ मिक्स करके चटनी बनाएंगे, और वल्ला वाला मुझे चटनी समझ नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या, क्योंकि नॉर्मली मुझे ये बच्चों वाली चीज़ तो जहन में नहीं थी, मैं कहा शायद ये जो आलू बुखारे के शरबत वगैरह बेचे जाते हैं उनको ये बेचा जाता है,